हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का हमारा टॉपिक है DSE 3 से भारत और चीन का युद्ध, जो कि 1962 में हुआ था। ठीक है, तो भारत चीन युद्ध को चीन भारत युद्ध, भारत चीन युद्ध, 1962 का भारत चीन युद्ध या 1962 का भारत चीन युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह चीन और भारत के बीच एक सैन्य संघर्ष था जो अक्टूबर से नवंबर 1962 तक चला था। चलिए आप देख सकते हैं कि अक्टूबर से नवंबर मतलब एक महीना लगभग चला था ये युद्ध। यह भारत चीन सीमा विवाद का एक सैन्य विस्तार था। मतलब ये किस लिए हुआ था विवाद, सीमा के लेकर हुआ था, बाउंड्रीज को लेकर के, कि वो बोलते थे ये मेरा इलाका है, ये बोलते थे ये मेरा इलाका, यहाँ तक मेरी बाउंड्री है मेरे कंट्री की, वो बोलते थे यहाँ तक। इसके चलते ये युद्ध स्टार्ट हो गया, जो एक महीने लगभग चला अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। चीन के साथ भारत की सीमा पर भूटान के पूर्व में भारत की नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में और नेपाल के पश्चिम में अक्साई चीन में लड़ाई हुई। कहाँ लड़ाई हुई थी, अक्साई चीन एरिया है एक, वहाँ पर लड़ाई हुई थी दोनों कंट्रीज़ के बीच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो भारत चीन युद्ध के कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। युद्ध का मुख्य बहाना हिमालय सीमा विवाद था। चीन ने लद्दाख, कश्मीर में अक्साई चीन क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश में त्वांग क्षेत्र पर अपना दावा किया। अक्साई चीन उसके जिंगजियांग के हिस्से के रूप में और त्वांग तिब्बत के हिस्से के रूप में। देखिए, तो चीन ने क्या किया कि अक्साई, उसने क्या क्लेम किया कि अक्साई चीन का जो एरिया है और जो त्वांग क्षेत्र का एरिया वो किसका है, वो मेरा है। अक्साई चीन नमक के मैदानों का एक रेगिस्तान है जो समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर ऊपर है। पूर्वी मोर्चा जहाँ युद्ध हुआ था, यानी अरुणाचल प्रदेश, एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ समुद्र तल से 7000 मीटर से ऊंची कई चोटियाँ हैं। इसलिए युद्ध इलाके और ठंडी जलवायु की अत्यधिक कठोर परिस्थितियों में लड़ा गया था। इन परिस्थितियों के कारण भी कई सैनिकों की मृत्यु हो गई। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपने उत्तरी पड़ोसी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा, जो एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत का सदियों से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है। 1962 की पूरी गर्मियों में दोनों देशों के सैनिकों के बीच समावर्ती छेड़ों में झड़पें होती रही। भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी का पालन करना शुरू कर दिया, जहां उसने विवादित सीमा क्षेत्रों में सेना और गश्त भेजना शुरू कर दिया। इनमें से कुछ सैनिक भारतीय सीमा के पार भी चले गए। इस कदम से दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो गए। साथ ही भारतीय नेतृत्व को विश्वास नहीं था कि चीन हमला करेगा। सेना किसी भी बड़े युद्ध के लिए भी तैयार नहीं थी। चीनी सैनिकों पर भारतीय सैनिकों की संख्या भारी थी। विवादित क्षेत्रों में सेना भेजने से पहले भारतीय योजना घटिया थी। पश्चिमी और पूर्वी दोनों मोर्चों पर एक महीने तक लड़ाई में लगभग 3000 भारतीय सैनिक मारे गए और लगभग 1000 से अधिक घायल हो गए। देख सकते हैं आप कैजुअलिटीज कितना था, 3000 लोग मारे गए और 1000 घायल हो गए सैनिक। भारत ने महाशक्तियों अमेरिका और USSR से मदद मांगी थी, लेकिन उससे भी कोई मदद नहीं मिली। युद्ध में चीन और भारत दोनों में अपनी नौसेना की वायुसेना का उपयोग नहीं किया था। मतलब वायुसेना का उपयोग या नौसेना या फिर वायुसेना का उपयोग उन्होंने नहीं किया था, एयरफोर्स का उपयोग उन्होंने नहीं किया था। चीन ने 21 नवंबर को अपने दावे की सीमा तक पहुंचने के बाद युद्ध विराम की घोषणा की और यह भी कहा कि 1 दिसंबर 1962 से चीनी सीमा रक्षक वास्तविक नियंत्रण रेखा से 20 किलोमीटर पीछे हट जाएंगे। युद्ध के बाद भारत ने तिब्बती शरणार्थियों और क्रांतिकारियों के लिए अपना समर्थन बढ़ा दिया। युद्ध में हार के कारण तत्कालीन रक्षा मंत्री वी के कृष्ण मेनन को भी इस्तीफा देना पड़ा, जिन्हें सेना की तैयारियों में कमी के लिए दोषी ठहराया गया था। तो उस समय हमारे रक्षा मंत्री वी के कृष्णन थे, कृष्ण मेनन थे, जिनको भी इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि इंडिया युद्ध हार गया था। तो उन्हें बोला गया कि आपने ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं किया था इसलिए हार गया, तो उनके दोषी ठहराकर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, उन्हें हटा दिया गया। पराजय का एक और परिणाम यह हुआ कि भारत ने अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण किया और बाद के संघर्षों में अधिक तैयार हो गया। इसने शायद राजनीतिक नेताओं को राष्ट्र सुरक्षा के मामलों में अतिरिक्त सतर्क और सतर्क रहने की भी सीख दे दी। देखिए क्या हुआ, पहले भारत उतना ज़्यादा आधुनिकीकरण नहीं था, मॉडर्नाइज नहीं था, उनके पास उतने सारे वेपन्स नहीं थे, औजार उतने सारे नहीं थे लड़ने के लिए, वेपन नहीं था टूल। तो बाद में क्या हुआ, जब वो हार गए तो उन्हें लगा कि नहीं, अब हमें अपना जो भी डिफेंस सिस्टम है उसे मजबूत करना पड़ेगा, और ऐसा ही हुआ। और बाद के जितना भी राजनेता है उन्होंने डिफेंस पर भी ध्यान दिया। बताते हैं युद्ध के कुछ कारण। तो पहला था ऐतिहासिक विरासत। भारत और चीन के बीच सीमा आज़ादी से पहले से ही विवादित रही है। जी पूर्वी क्षेत्र में मैकमोहन रेखा 1914 में बिना किसी सर्वेक्षण और चीन को विश्राम के लिए खींची गई थी। फिर दूसरा है अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश। भारत चीन युद्ध का मुख्य कारण व्यापक रूप से अलग अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश सीमा क्षेत्रों की संप्रभुता पर विवाद था। क्षेत्रों पर दावा, भारत ने अक्साई चीन को लद्दाख का हिस्सा होने का दावा किया, जबकि चीन ने उसे सिनजियांग का हिस्सा बताया। तो दोनों क्षेत्रों को लेकर लड़ रहे थे, वो बोल रहे थे वो मेरा है, वो जैसे अभी हम लोग इंडिया और पाकिस्तान लड़ते रहता है कश्मीर के लिए, उसी तरीके से।
भारत की खुफिया विफलता। भारत इस बात से अनभिज्ञ रहा कि इस क्षेत्र का उपयोग चीन पहले से ही कर रहा था। 1957 में इस परियोजना के पूरा होने की घोषणा के बाद ही चीनियों ने वहां 220 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई। फिर नेतृत्व में इस विफलता। 1954 में तिब्बत समझौता। भारत ने जानबूझकर सीमा के बारे में चर्चा से परहेज किया, जिससे सीमा प्रश्न खुला रह गया। नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री झोउ एनलाई के बीच बैठक या उनके मतभेदों को पाटने में विफल रही। बैठक हुई थी उन दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी उन दोनों के जो मतभेद थे वो सारे ठीक नहीं हो पाए थे। लास्ट आता है प्रभाव। इसने भारतीय सेना को गंभीर रूप से हतोत्साहित किया, अपनी कमजोरी दिखाई और चीन के साथ दशकों तक खराब संबंध बने रहे। हमने पहले भी देखा कि 3,000 लोग मारे गए थे, 1,000 लोग घायल हो गए थे, और हमें पता चला था कि भारत अभी भी सशक्त, मतलब कह सकते हैं आधुनिकीकरण भारत में अभी नहीं हुआ है डिफेंस सिस्टम को लेकर। तो ये सब कुछ प्रभाव थे। और इसके बाद कुछ कुछ समझौता हुए थे भारत और चीन के बीच में। पहला है मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैनलिटी, जो कि 1993 में हुआ। फिर हुआ सैन्य सीबीएम 1996 में। सीमा प्रश्न के समाधान के लिए राजनीतिक मानदंड और मार्गदर्शक सिद्धांत 2005। सीमा रक्षा सहयोग 2012। तो ये कुछ कुछ समझौते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, और शेयर करो वीडियो को जितना हो सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दूंगी। सो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। थैंक यू।